हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th, यूनिट नंबर 2, रीड 1 का पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेज नंबर 17 के जो सेकंड टॉपिक है, मोर रिसाइकलिंग, यहाँ से हमारा स्टडी वर्क आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अपनी बुक्स में देखेंगे नंबर 2, मोर रिसाइकलिंग, अधिक पुनः प्रक्रिया। इंस्टेड ऑफ बाइंग द लेटेस्ट मॉडल ऑफ अ कार, कार के लेटेस्ट आधुनिक मॉडल ढांचे को बाइंग खरीदने के बदले में, और थ्रोविंग अवे, बड़ा थ्रो अवे यानी फेंक देना, या फेंक देने के बदले में एन ओल्ड टोस्टर, एक पुराना टोस्टर, बड़ा टोस्ट बनाने का जो यंत्र होता है उसको टोस्टर बोलते हैं, द कस्टमर्स विल रिटर्न दियर ओल्ड मॉडल्स, कस्टमर्स ग्राहक दियर ओल्डर उनके पुराने मॉडल्स ढांचे को रिटर्न वापस करेंगे, एंड गेट बैक और प्राप्त करेंगे न्यू मॉडल्स नए ढांचे को, फैब्रिकेटेड निर्मित किया हुआ, फ्रॉम दैट ओल्ड स्टफ, उस ओल्ड पुराने स्टफ भरकर बनाई गई वस्तु से, जो पुरानी वस्तु आपकी थी आप उसको रिप्लेस कर देंगे, बदल देंगे, और उसी वस्तु को नयापन बना करके आपको नई वस्तु बनाकर दे दी जाएगी। देयर विल बी रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स इन न्यू वेज, न्यू नए वेज तरीकों से जो पुरानी वस्तुएं हैं, जो पुराने मटेरियल्स पदार्थ हैं, उनका रिसाइकलिंग होगा, उनकी पुनः प्रक्रिया होगी। दिस विल बी अ ग्रेट कंपनसेशन टू इन्वायरमेंट, और यह इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए एक ग्रेट, एक बहुत बड़ा कंपनसेशन, बहुत बड़ा लाभ होगा। नंबर 3, द रिटर्न ऑफ द विलेज क्राफ्ट वर्कर, जो विलेज गांव के क्राफ्ट वर्कर हैं, जो हस्तकलाकार हैं, उनकी वापसी होगी। इफ़ यदि मास प्रोडक्शन, बड़ा मास यानी होता ढेर, बहुत बड़ा प्रमाण, मास प्रोडक्शन लॉसेस इट्स इकोनॉमिक एडवांटेज, अगर बड़े प्रमाण में जो प्रोडक्शन निर्माण हो रहा है वो लॉसेस हुआ खो देता है इट्स इकोनॉमिक, उसकी आर्थिक एडवांटेज, लाभ को। ह्यूज सेंट्रलाइज्ड फैक्ट्रीज, तो जो ह्यूज विशाल सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकरण वाली जो कंपनियां हैं विल डिसअपीयर, वह अदृश्य हो जाएंगी। जब बड़ी कंपनियां देखेंगी कि भई हम बड़े प्रमाण में हमारी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं तो बाज़ार में से धीरे धीरे चली जाएंगी। दे विल बी रिप्लेस्ड बाई स्मॉलर एंड कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटीज, तो दे विल बी रिप्लेस्ड, उनके बदले में स्थानों पर आ जाएंगे स्मॉलर, अधिक छोटे, एंड कम्युनिटी और समुदाय के द्वारा बेस्ड आधारित फैसिलिटीज उसके बदले में आ जाएंगी। देयर विल बी अ कंटिन्यूस डिक्लाइन, और कंटिन्यूस लगातार डिक्लाइन, कमी होगी, इन द मैटर ऑफ ह्यूमन इफ़ॉर्ट्स, ह्यूमन मनुष्य के इफ़ॉर्ट्स, प्रयासों में निरंतर कमी होगी, नीडेड जो कि ज़रूरत होगी टू प्रोड्यूस, उत्पादित करने में, मटेरियल गुड्स, पदार्थ के सामग्रियों में। देन उसके बाद द कस्टमर्स में बी सर्व्ड बेटर, उसके बाद जो कस्टमर्स ग्राहक हैं में बी सर्व्ड, शायद उन्हें सेवा दी जाएगी बेटर, अधिक अच्छा, बाई अ लोकल ओनर, एक लोकल स्थानीय ओनर, मालिक के द्वारा, एंड ऑपरेटर या कार्य करने के द्वारा, और मैन्युफैक्चरिंग शॉप, उत्पादन करने वाले दुकान के द्वारा। थस इस प्रकार से द फैक्ट्रीज विल बिकम, फैक्ट्रियाँ बन जाएंगी डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रीकरण वाली, बड़ा विकेंद्रीकरण उसे कहते हैं कि जहाँ पर सत्ताएँ जो होती हैं वो छोटे छोटे भागों में बांट दी जाती हैं, ये विरोधी वर्ड होता है बड़ा सेंट्रलाइज का। एंड द नेचुरली टैलेंटेड विलेज क्राफ्ट, और नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो टैलेंटेड बुद्धिमान विलेज गाँव के जो क्राफ्ट वर्कर्स हैं, जो हस्तकलाकार हैं, विल बी बैक, वे वापस आ जाएंगे विथ अ बैंग, अचानक ही। नंबर 4, न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स, नए औषधीय उपचार, सून शीघ्र द स्केल ऑफ ऑटोफैब, शीघ्र ऑटोफैब का, स्वयं निर्माण का जो स्केल, जो प्रमाण है, विल श्रिंक, बड़ा श्रिंक यानी कमी आना, शीघ्र स्वयं संचालित प्रमाण में कमी आएगी, टू नैनो स्ट्रक्चर लेवल, नैनो स्ट्रक्चर सूक्ष्म निर्माण के स्तर तक, आपने साइंस में वर्ड पढ़ा होगा नैनो टेक्नोलॉजी। देन उसके बाद द साइज ऑफ
न्यूली मैन्युफैक्चर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद न्यूली नए मैन्युफैक्चर्ड उत्पादित मेडिकल औषधीय इंस्ट्रूमेंट सामग्रियाँ विल बी नो लॉन्गर नो बिगर व अधिक बड़ी नहीं होंगी। देना ड्रग मॉलिक्यूल, एक ड्रग औषधि के मॉलिक्यूल सूक्ष्म प्रमाण से बड़ी नहीं होंगी। बोले उसके बाद जो ट्रीटमेंट में जो हम अलग अलग साधनों का उपयोग करते हैं वो साधन इतने छोटे छोटे हो जाएंगे कि जैसे हमें लगेगा कि दवा के छोटे छोटे टुकड़े। इट विल बी पॉसिबल, यह संभवित होगा। टू रिकंस्ट्रक्ट, पुनर्निर्माण करना। रेटिफाइड टिश्यूश, बड़ा रेटिफाइड यानी होता है अनुमति वाला, टिश्यूश यानी होता है अंग, यह अनुमति वाले अंगों का निर्माण करने के लिए संभवित होगा। एंड इवन, और इवन जैसा कि रिवर्सल ऑफ मैच्योर्ड टिश्यू, जो मैच्योर्ड जो परिपक्व टिश्यू से अंग हैं उसको पुनः प्रक्रिया में ले आने के लिए। डीके जो कि सड़ गए हैं विल बी डन, और यह किया जाएगा। द एक्सटेंशन, बड़ा एक्सटेंशन यानी वृद्धि। ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पेन, ह्यूमन मनुष्य के लाइफ जीवन का जो स्पेन जो अवधि है इसमें वृद्धि होगी। विल कंटिन्यू, और यह जारी रहेगी। मनुष्य की उम्र धीरे धीरे बढ़ना जारी हो जाएगी। द हेल्थ ऑफ ओल्ड पीपल विल इम्प्रूव, और जो ओल्ड वृद्ध लोग हैं इनका जो हेल्थ, इनका जो स्वास्थ्य है वह इम्प्रूव, वह सुधरेगा। इटली लाइकली दैट, यह इस प्रकार से है कि पीपल विल गेन, लोग गेन प्राप्त करेंगे। द एबिलिटी, योग्यता। टू पेनलेसली, बिना दर्द के रीडिज़ाइन, पुनः निर्माण करने में दियर बॉडीज, उनके शरीर को। द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस, बड़ा कम्बाइंड यानी मिश्रित, सच यानी ऐसा, इस प्रकार के जो चेंजेस हैं, बदलाव हैं, वो बदलाव का जो मिश्रित असर होगा कुड बी ड्रामेटिक, व नाटात्मक होगा। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद में, अ स्मॉल माउंटेन टॉप कम्युनिटी, पर्वत के शिखर पर रहने वाला जो समुदाय है, जो समाज है, कुड बी सेल्फ सफिशियंट, वह भी स्वयं संतुष्ट हो जाएगा। विद अ कलेक्शन ऑफ फैब्रिकेटर्स, निर्माणों के संग्रह के द्वारा। एंड अ सोलर पावर, और सूर्य पावर शक्ति के जनरेटर्स, निर्माण के द्वारा। इस प्रकार का एक समय आएगा कि जो हमारे समाज से दूर रहने वाले, जो पर्वत पर की शिखर पर रहने वाला जो समुदाय है, उसे भी अच्छे निर्माण मिल जाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, कम कीमत पर मिल जाएंगे, जैसा उसे चाहिए वैसे मिल जाएंगे, और सोलर पावर का उपयोग करते हुए वो अच्छी से अच्छी चीज़ें कम कीमत पर प्राप्त कर पाएगा, और उसका हेल्थ जो होगा, उसका जो स्वास्थ्य होगा, वो भी अच्छा बन जाएगा।